हिंदी सिनेमा में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो अपने बूते फिल्में हिट कराना जानती हैं। गुजरे जमाने में भी कई ऐसी अदाकाराएं रही हैं। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने न सिर्फ अपने दम पर फिल्मों की नैया पार लगा दी, बल्कि उनके बोल्ड अवतार और फिल्मों में उनके अभिनय को देखते हुए लोगों ने उन्हें एक अलग ही नाम दे दिया था। आज हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अदाकारा कौन थी, तो आपने सिल्क स्मिता का नाम जरूर सुना होगा। विजय लक्ष्मी को लोग सिल्क स्मिता के नाम से जानते हैं। अगर आप अब भी इस नाम से अनजान हैं, तो फिल्म डर्टी पिक्चर में एक्ट्रेस विद्या बालन ने जिसका किरदार निभाया, हम उनकी ही बात कर रहे हैं, और वो ही थी सिल्क स्मिता। विजय लक्ष्मी के चाहने वालों का सैलाब तब आया जब फिल्मों में उन्हें अच्छा नाम मिला। 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 17 साल के अपने फिल्मी करियर में ही 400 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका ही मचा दिया था। लेकिन अफसोस, 23 सितंबर 1996 में अपने घर में एक पंखे से लटकी पाई गई थी। सिल्क की जिंदगी पर वैसे तो 3 फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस के बारे में अब भी जो आप नहीं जानते हैं, वो हम आज बताने जा रहे हैं। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी माँ और पापा काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। थोड़ी बड़ी होने पर एक सरकारी स्कूल में सिल्क का एडमिशन करा दिया गया था, ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ किताबी ज्ञान और दुनियादारी सीखे। लेकिन 4th कक्षा में ही सिल्क को स्कूल छोड़ना पड़ गया था। सिल्क के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा था कि वो एक्ट्रेस की पढ़ाई करवा पाते। लौट कर सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क 10 साल की थी। सिल्क उम्र में तो छोटी थी, लेकिन दिखने में वो बड़ी लगने लगी थी। जैसे जैसे सिल्क बड़ी होती जा रही थी, माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी, और फिर क्या, उन्होंने उनकी शादी कराने ठान दी। बहुत कम उम्र में ही सिल्क का ब्याह करा दिया गया। इस तरह माता पिता ने अपने सिर से बोझ तो हल्का कर दिया, लेकिन सिल्क की जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस घर में सिल्क की शादी हुई, वहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था और उनकी गलतियों पर गालियां भी देता था। इतना ही नहीं, उनकी ननद और सास भी सिल्क को पीट देती थी, इसलिए वो अपने घर को संभाल ना सकी और घर छोड़कर भाग गई थी सीधे चेन्नई। चेन्नई पहुंचकर सिल्क ने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के तौर पर बड़ा नाम कमा लिया, और वहां उन्होंने सपने देखने के लिए नौकरानी का काम किया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता, तो वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्मी दुनिया में खो जाती थी। इस एक्ट्रेस के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी भी इच्छा कुछ करने की थी। नौकरानी का काम करने से सिल्क को बस ये फायदा हो रहा था कि वो बड़े बड़े डायरेक्टर से मिलती थी। एक दिन एक अनजाने में एक डायरेक्टर की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत अट्रैक्टिव हुई और वो बहुत दूर खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि गाड़ी देखकर उसमें क्या बैठने का सपना देख रही हो। अपनी मालकिन की बात सुनकर सिल्क को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पलट कर जवाब भी दिया। वो कहने लगी कि वो एक दिन इस गाड़ी में बैठेंगे ही नहीं, बल्कि वो गाड़ी भी मेरी ही होगी। सिल्क समझ गई कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होना, इसलिए उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिए। ऑडिशन देते ही वो अभिनय सीख रही थी। उन्हें कोई भी अभिनय सिखाने वाला नहीं था। फिल्म ऑडिशन में कुछ इस तरह से कामों का दाय दिखाई कि उन्हें जिस फिल्म के आइटम नंबर के लिए लिया गया, वो हिट चली गई। सिल्क की अदाएं काम कर गई। धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए फिल्मों के ऑफर आने लगे। कुछ ही समय में सिल्क अपने समय की दक्षिण भारतीय सिनेमा की आइटम क्वीन बन गई। उस समय सिल्क डायरेक्टर से 50,000 रुपए फीस लेती थी। एक आइटम नंबर करने के लिए सिल्क की फीस भले ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी फिल्मों के डायरेक्टर इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर उनकी फिल्म को हिट करा सकता है। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते, और इतने कम समय में उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हासन, रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद अब सिल्क का करियर ढलान पर आ गया था। वैसे लोग उनके एक ही काम से उब गए थे। तब उन्होंने एक्टिंग छोड़कर फिल्में बनाने का काम शुरू किया, और फिर क्या, दर्शकों को उनका ये काम भी पसंद नहीं आया। उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई। उन्होंने सबसे अलग होकर शराब को अपनी दुनिया बना लिया, और अंत में 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने छानबीन की और मौत को आत्महत्या नाम देकर केस बंद कर दिया। दिव्या भारती, श्रीदेवी और सुशांत सिंह जैसे कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने पूरा देश हिलाकर रख दिया था।
हर तरफ इन स्टार्स के निधन की खबर सुनकर मातम पसर गया था। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि हंसते खेलते ये स्टार्स अचानक अपनी जिंदगी खत्म कर देंगे। ऐसा ही एक केस 2002 का है, जब एक साउथ एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गलत कदम उठाया था। ये नाम कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस प्रत्युषा का है, जिन्होंने 2002 में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जान गंवा दी थी। सिर्फ शादी ना होने की वजह से एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। आज भी ये केस लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। प्रत्युषा साउथ की उभरती हुई एक्ट्रेस थी, उनका करियर आगे बढ़ रहा था और वो इससे काफी खुश थी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो प्यार करने के लिए तरस रही थी। वो सिद्धार्थ रेड्डी नाम के लड़के से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और आखिरकार प्रत्युषा ने इतनी सी बात पर सिर्फ 20 साल की उम्र में सुसाइड कर ली थी। प्रत्युषा सिद्धार्थ रेड्डी के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों ने साल 2002 में एक साथ कोको कोला में मिलाकर जहर पी लिया था। जहर पीने से प्रत्युषा की तो तुरंत मौत हो गई थी, लेकिन सिद्धार्थ बच गए थे। उस दौरान कहा गया था कि सिद्धार्थ के घर वाले उनकी शादी के खिलाफ थे और दोनों ने इसीलिए एक साथ मरने का फैसला किया था। साल 2002 में जब प्रत्युषा का पोस्टमार्टम हुआ, उस वक्त उनका सुसाइड का मर्डर बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रत्युषा की मौत गला घोटने से हुई है। मरने से पहले उनका रेप भी किया गया था और इस खबर ने फिर से सोशल मीडिया पर तूफानी खड़ा कर दिया था। हर किसी की जुबान पर बस इसी केस का नाम था। हालांकि इस केस पर सीबीआई जांच भी रखी गई और आखिरकार जांच एजेंसी ने कई निष्कर्षों को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रत्युषा की मौत सुसाइड का मामला है। हालांकि सीबीआई ने प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया था। अदालत ने उन्हें 6,000 रुपए के जुर्माने के साथ 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। प्रत्युषा की मां आज भी मानती है कि उनकी बेटी की हत्या की गई थी। प्रत्युषा या सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो इंडस्ट्री के लोगों के टॉर्चर से परेशान होकर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। ये इंडस्ट्री दूर से जितनी ग्लैमरस और चमकती है, पास में उतनी ही दुख और दर्द से भरी हुई है। जब ये तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब सितारे जिंदगी को गले लगाकर मौत को गले लगाना ही ठीक समझते हैं। मौत को गले लगाने वाली हस्तियों की लिस्ट अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप सब सोचने को मजबूर हो जाएंगे।